जादुई तीन चांदी सोना और हीरा उगलने वाली नागिन। बहुत समय पहले की बात है, यूपी के एक छोटे से गांव में नंदकिशोर नाम का एक सपेरा रहता था। नंदकिशोर गांव-गांव घूमकर अपनी बीन बजाने की कला से लोगों का मन मोह लेता था। वो बीन बजाकर सांप का खेल दिखाता था। आओ आओ सांप का खेल देखो, मजेदार खेल, बच्चों को भी भाए और बड़ों को भी। इतना कहकर नंदकिशोर अपनी टोकरी से सांप निकालता है और उसे डांस करने को कहता है। फिर वो सांप डांस करने लगता है। अपने इसी काम से नंदकिशोर अपना घर चलाता था। एक दिन नंदकिशोर की पड़ोसन, जिसे नंदकिशोर भाभी कहता था, वो नंदकिशोर से कहती है, नंदकिशोर भैया, आप इतने अकेले हो, आपने अभी तक शादी भी नहीं की और ऊपर से इतने सारे सांपों के बीच भी रहते हो, ऐसे आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? भाभी, मेरा जीवन बहुत सरल है, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मुझे इन सांपों के साथ रहना अच्छा लगता है और मेरा काम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन नंदकिशोर भैया। लेकिन कुछ नहीं भाभी, शादी का क्या है, हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर नंदकिशोर अपने घर में चला जाता है। नंदकिशोर अलग अलग गांव की ओर निकल जाता था। एक दिन जब वो अपने काम से घर जा रहा था तो उसने देखा कि एक सांप रास्ते में घायल पड़ा है। हे भगवान, ये सांप तो घायल है, कितना दर्द हो रहा होगा इसको, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उसके बाद नंदकिशोर उस सांप को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो जैसे ही खड़ा होता है, तभी वो सांप एक देवी के रूप में बदल जाती है। नंदकिशोर, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र। तुम मुझे बेझिझक बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने हाथों से नाग देवी को पानी पिलाने का मौका मिला, इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है, और वैसे भी मैं अपने सरल जीवन में बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वरदान दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। देवी, मेरी शादी नहीं हुई है अब तक। ठीक है नंदकिशोर, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी तीन शादियाँ होगी और तीनों ही बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों से। उफ, लड़कियों से नहीं, सुंदर सुंदर नागिनों से। यह आपने मुझे कैसा वरदान दे दिया देवी, अगर उन्होंने मुझे ही डस लिया तो? तुम इतनी चिंता ना करो नंदकिशोर, ऐसा नहीं होगा, तुम बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। इतना कहकर देवी गायब हो जाती है। बेचारा नंदकिशोर बहुत ही चिंतित हो जाता है, वो घर जाकर भी परेशान ही रहता है। पता नहीं देवी ने मुझे कैसा वरदान दे दिया, एक तो मैंने उनकी मदद की, ऊपर से उन्होंने मुझे ही ऐसा अजीबोगरीब वरदान दे दिया। अगले दिन नंदकिशोर फिर से अपने काम पर चला जाता है। जब वो सांप का खेल दिखा रहा होता है तो वो देखता है कि भीड़ में से एक सुंदर लड़की उसको बार बार देखकर हंस रही है। नंदकिशोर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, फिर अपना खेल दिखाकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वो लड़की उसका पीछा करने लगती है और छुप छुप कर उसे देखती भी है। एक बार खुद को देखते हुए नंदकिशोर उसे देख लेता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। लेकिन मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, प्लीज तुम मेरा रास्ता छोड़ो। इतना कहकर नंदकिशोर आगे बढ़ जाता है। सुनो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या, तुम घर जाओ, मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी। ठीक है, फिर मैं नदी में कूद रही हूँ। फिर मजबूरी में आकर नंदकिशोर को उससे शादी करनी ही पड़ती है। वो लड़की दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। नंदकिशोर भी उस लड़की से प्यार करने लगता है। फिर वो दोनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंदकिशोर अपना काम करके वापस घर आ रहा था, तभी वो देखता है एक लड़की रोते हुए दुल्हन के जोड़े में उसकी तरफ भागे आ रही थी। उस लड़की का नाम सुनैना था। वो नंदकिशोर के पास आकर कहती है, सुनो प्लीज मुझे बचा लो, मेरे घर वाले मेरी शादी मुझसे दुगने उम्र के लड़के से करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं शादी से भाग गई, लेकिन मेरे पापा ने मेरे पीछे गुंडे छोड़ दिए, प्लीज मुझे बचा लो। नंदकिशोर सभी गुंडों की पिटाई कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। सुनैना इतनी खूबसूरत थी कि नंदकिशोर का दिल उस पर आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाया, मैं आपका ये आभार जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं, आप भी तो काफी नेक दिल के हैं।
लेकिन मेरी एक और बीवी है, उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन मुझे भी तुम्हारा बराबर समय चाहिए होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। फिर नंद किशोर सुनैना से शादी कर लेता है और उसे भी अपने घर ले आता है। गायत्री, मुझे माफ कर दो, मैंने सुनैना से दूसरी शादी कर ली है। गायत्री भी सुनैना से मिलकर बहुत खुश होती है। नंद किशोर बहुत ही खुश था कि उसकी दो बीवियां थी और वो भी बहुत सुंदर। लेकिन नंद किशोर की दोनों ही बीवियां बहुत ज्यादा दूध पीती थी, जिसके कारण नंद किशोर को डबल मेहनत करनी पड़ती थी। वो अपना काम करने के लिए और जल्दी निकलता था। कुछ समय बाद जब नंद किशोर दूसरे गांव के दौरे पर जा रहा था तो वो देखता है कि एक लड़की पेड़ से लटकी हुई थी। नंद किशोर उसके पास जाकर उसकी जान बचाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी जान क्यों देना चाहती हो? हमें एक ही जीवन मिलता है और तुम उसे खराब कर रही हो। तो मैं और क्या करूं? मैं अनाथ हूं, मुझसे कोई शादी भी नहीं करता। तुम पागल हो? ऐसे कैसे कोई नहीं है तुम्हारा? कोई तो होगा जो तुमसे शादी करेगा। मुझ अनाथ से कौन शादी करेगा? कोई नहीं करता। बताओ, तुम करोगे मुझसे शादी? नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं वाला तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? देखा तुमने, मैंने कहा था ना, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी पहले से दो शादी हो चुकी है। मुझे तुम्हारी बीवियों से कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस मुझसे शादी कर लो। नंद किशोर उस लड़की से भी शादी कर लेता है और उसके तीनों बीवियां बहुत खुश रहने लगती है। फिर नंद किशोर को याद आता है कि देवी ने उसे तीन शादी होने का वरदान दिया था। अगले दिन पूर्णिमा वाली रात को उसकी तीनों पत्नियां छत पर चली जाती हैं और वो तीनों इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है। नंद किशोर की एक बीवी अपने मुंह से सोना उगलने लगती है, दूसरी बीवी चांदी और तीसरी बीवी हीरा उगलने लगती है। जब नंद किशोर सुबह छत पर जाता है तो वो वहाँ पर बहुत सारा चांदी, सोना और हीरा देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये सब तो जादू हो गया, किसका है ये सब खजाना? नंद किशोर बहुत ही अचंभित हो जाता है। कुछ दिनों तक तो नंद किशोर को समझ ही नहीं आता ये सब कैसे हुआ। सारे दौलत से नंद किशोर बहुत बड़ा घर बनाता है और बहुत सारी लग्जरी गाड़ी लेता है। अगली पूर्णिमा को वो अपनी बीवियों का पीछा करता है, फिर अपनी पत्नियों को इच्छाधारी नागिन बनता हुआ देखता है। अच्छा, तो ये सब देवी के दिए हुए वरदान की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा था मेरी तीन शादी होगी और मैं बहुत खुशहाल रहूंगा। फिर उसकी तीनों पत्नियां दोबारा से सोना, चांदी और हीरा उगलती हैं। अब नंद किशोर बहुत खुश था क्योंकि उसके पास सब कुछ था, दौलत भी और खूबसूरत पत्नियां भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपने साथ अपनों का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।